कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी दूसरे राज्यों में करते हैं और बिहारियों के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेची जा रही है। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सुधा। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर के लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। यहां तक कि ये भी कह दिया गया कि लैंड फॉर जॉब जैसा घोटाला इस एग्जाम में किया गया है, इस भर्ती परीक्षा में एक बड़ा घोटाला हुआ है। वहीं से लेकर के अब बता दें कि जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। वहीं नीतीश तेजस्वी पर जमकर बोलते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी एक और जहां बीपीएससी शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार में लगातार हो रहे घोटाले पर भी बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आप खुद सुनिए। आज विडम्बना है बिहार में कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी दूसरे राज्यों में करते हैं और बिहारियों के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेची जा रही है। उसमें जैसे लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तर्ज पर बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारी की है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दें, क्योंकि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। और ज्ञातव्य है कि बिहार में सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने की बात थी, अभी तक शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो, ये हमारी मांग है। सुना आपने किस तरीके से मांझी इन घोटालों पर बात कर रहे हैं, ये कह रही हैं कि नौकरियां बेची जा रही हैं। और इससे पहले ये भी बातें सामने आई थी कि दूसरे रास्ते से नौकरियां मिल रही है, पीछे के रास्ते से नौकरियां मिल रही है। और अब जो है जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है, जिसने उन्होंने लैंड फॉर जॉब जैसा घोटाले को इससे जोड़ा है और साथ ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा का आरोप भी लगाया है। वो ये भी कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और जानबूझकर यहां पर जो है जिस तरीके से नौकरियां बेची गई, उस तरीके से यहां पर भी सीटें बेची गई हैं, यहां पर भी नौकरियां जो हैं वो बेची गई है। रोजगार में फिलहाल यही चल रहा है। इन्हीं बातों के साथ में नीतीश तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए, जमकर हमला बोलते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे थे। इसलिए जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बनी रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।